यहाँ नरेशन की क्लास शुरू करते हैं। और एक चीज़ देखिएगा, ये नरेशन का पूरा डिटेल क्लास है ना, एक ही वीडियो में। ये खुद हैंड राइटिंग है मेरी, और जैसा भी होगा अगर अच्छा हैंड राइटिंग है तो ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन में दो होता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, स्पीकर द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, एज इट इज कह देना। और जब किसी बात को एज इट इज कहोगे तो उस बात को आप किस में रखोगे, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर लिखा जाता है। क्लियर है, समझ में आया? तो यहाँ से दो पार्ट होते हैं डायरेक्ट नरेशन का, एक ऐसा जिनको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है और एक ऐसा जिनको इन्वर्टेड कॉमा के बाहर बाहर। रखा गया है। तो जिनको इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रखा जाता है उनको बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज, और जिनको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्लियर है? जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, टीचर सेड टू महेश यू आर माई स्टूडेंट। क्लियर? तो यहाँ टीचर सेड टू महेश, दिस इज रिपोर्टिंग क्लॉज, यू आर माई स्टूडेंट, दिस इज व्हाट, दिस इज रिपोर्टेड स्पीच। इतना समझ पाए? देखो ये बाहर है, टीचर सेड टू महेश, ये क्या है, बाहर है, इसलिए क्या है, रिपोर्टिंग क्लॉज है। और यू आर माई स्टूडेंट, ये क्या, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसलिए क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर है? कभी अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे दिमाग में रखना, रिपोर्टेड, रिपोर्ट लिखवा दिया गया, रिपोर्टेड थर्ड फॉर्म में जा रहा है ना, थर्ड फॉर्म मतलब काम कंप्लीट हो गया, तो जो लिखवा दिया गया वो तो भाई बकायदा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ना। और ये लिखवा रहा है रिपोर्टिंग, रिपोर्ट करवाने वाला बाहर रहेगा। ठीक, क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखो लिखा भी है रिपोर्टेड स्पीच, इसमें स्पीकर की कही गई बात होती है या कही गई बात को रखी जाती है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या परिवर्तन किए जाते हैं, तो तीन तरह के चेंजनेस होते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय तीन तरह के चेंजनेस होते हैं। एक तो है टू चेंज द प्रोनाउन, प्रोनाउन का चेंज होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे SON 1 2 3। टू चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब, वर्ब का टेंस चेंज होता है। और टू चेंज द वर्ड शोइंग नियरनेस, ये चीज़ जैसे यस्टरडे का द प्रीवियस डे, इस तरह से जो तीन तरह के चेंजनेस किया जाता है ना, प्रोनाउन, वर्ब टेंस और वर्ड्स शोइंग नियरनेस। क्लियर है? अब यहाँ देखिए इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, जब स्पीकर के कहे गए कथन को उसी के शब्दों में ना कहकर है ना कोई व्यक्ति अपने शब्दों में कहता है तो उसी को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और इनडायरेक्ट नरेशन के लिए, इसको लिखने के लिए इन्वर्टेड कॉमाज का प्रयोग नहीं किया जाता है ना, मतलब इसके कोई पार्ट नहीं होते हैं। जैसे अभी बात करें इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा, तो इसका होगा द टीचर टोल्ड महेश डैट ही वाज है ना हिज स्टूडेंट या ही वाज हर स्टूडेंट। अभी समझ पाए, इतना क्लियर है? तो यहां पर देखिए द टीचर सेड टू महेश यू आर माई स्टूडेंट, इसका इनडायरेक्ट क्या है, द टीचर टोल्ड महेश डेट ही वॉज हिज स्टूडेंट। क्लियर? अब देखिए पहला ये तो था ना चेंजिंग द प्रोनाउन, तो प्रोनाउन का चेंज कैसे होता है, यहां पर लिखा है SON 1 2 3। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। 1 2 3 का मतलब ये पर्सन है, तीन पर्सन होते हैं ना। फर्स्ट पर्सन मतलब स्पीकर, आई और बी से रिलेटेड आता है। सेकंड पर्सन मीन्स लिसनर, यू आता है। थर्ड पर्सन मीन्स अबाउट यू समथिंग इज से, जैसे ही से, इट या कोई भी नेम, सब थर्ड पर्सन में आते हैं। क्लियर? अब SON का मतलब क्या हुआ, यहाँ है देखिए रिपोर्टेड स्पीच, मतलब समझे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। अगर वहाँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई और बी से रिलेटेड है, तो उसको चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, जो कि रिपोर्टिंग क्लॉज के। क्लियर है? दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी कि यू को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और तीसरा जो होता है, रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन ही से इट दे, इन सबको चेंज नहीं करते, एज इट इज यही लिख देते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखें,
यहाँ एक चार्ट है आपके सामने, आप देख सकते हैं। हाँ ये आ गया आपके सामने, एक मिनट, ये चार्ट है, देख देखिए आपके सामने है ना ये चार्ट। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में आई और बी से रिलेटेड आता है, क्लियर है, ये सब्जेक्टिव केस होता है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी और अस होता है। पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव केस में एडजेक्टिव प्रोनाउन दो होता है, माई और प्रोनाउन के केस में माइन, और इधर आवर और प्रोनाउन के केस में आर्स, यह इंफेटिव या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ और आवर सेल्फ, क्लियर है। सेकंड पर्सन में यू, और ये ओल्ड इंग्लिश में दाऊ का यूज किया जाता था, दाऊ मतलब यू होता है ना। तो यू का क्या चलता है, ऑब्जेक्ट यू, पजेसिव एडजेक्टिव योर, पजेसिव प्रोनाउन योर्स, और इधर इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, अगर सिंगुलर बात हो रही तो योर सेल्फ, नहीं तो योर सेल्फ्स। और दाऊ का दाई, दी, दाई, दाइन, अरे दाऊ, दी, दाई, दाइन और दाई सेल्फ, इस तरह से, क्लियर है। थर्ड पर्सन की बात करें तो देखिए थर्ड पर्सन में क्या आता है, ये है आपका थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ये तो है सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में ही का हिम, सी का हर, इट का इट, और दे का देम। ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज होगा, सी का हर होगा, इट का इट्स होगा, और दे का देयर होगा। पजेसिव प्रोनाउन ही का हिज होगा, सी का हर्स होगा, इट का नहीं होता है। इट्स मैंने देखिए क्रॉस का टिक किया है, ये नहीं होता है ना, जनरली लोग समझ लेते हैं यही होता है, लेकिन एक्चुअल में ये गलत है। इसकी जगह क्या लिखेंगे, कुछ नहीं होता है, होता ही नहीं है, क्लियर है। और दे का देयर्स होता है। फिर अगर यहाँ सेल्फ वाला प्रोनाउन तो ही का हिमसेल्फ, सी का हरसेल्फ, इट का इट्सेल्फ, और दे का देमसेल्फ होता है। इतना क्लियर है ना। तो ये पहला था चेंज द प्रोनाउन। चलिए अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल है। ही सेड आई एम रीडिंग माई बुक, तो ही सेड आई है ना, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट ही के अनुसार क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। इज एम आर चेंज होता है वाज एवर में, तो ही वाज रीडिंग, और माई फर्स्ट पर्सन है, है ना, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव, ही का पजेसिव क्या होगा, हिज, तो हिज बुक। अभी समझ पाए ना। दूसरा, ही सेड टू मी यू कैन टीच मी, तो ही सेड टू चेंज हो गया टोल्ड, और मी, ही टोल्ड मी डैट। अब देखिए यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई, तो डैट आई कुड टीच हिम, क्लियर है। नेक्स्ट है द फादर सेड ही इज अ गुड बॉय, तो द फादर सेड डैट ही, थर्ड पर्सन का है, नहीं चेंज करेंगे, ही वाज अ गुड बॉय। अच्छा पहला समझ में आया, चेंजिंग द प्रोनाउन, पहला मेजर मेजर थ्री रूल है, चेंजिंग द प्रोनाउन, चेंजिंग द टेंस और नियरनेस वर्ड। चलो अभी दूसरा आते हैं मेजर रूल में, चेंजिंग द टेंस ऑफ द वर्ब, ठीक है, वर्ब के टेंस में कैसे चेंज होते हैं इस बात पर हम लोग करने वाले हैं चर्चा। तो अभी यहाँ देखिए, यहाँ देखिए पहला है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब, यहाँ कंडीशन ध्यान देना, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, मतलब आप सीधा इन्वर्टेड कॉमा का बाहर का पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी पार्ट में हो, तो वहाँ रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस चेंज नहीं करते। कैसे, द जज सेज, देखिए सेज प्रेजेंट है, अंदर का टेंस नहीं चेंज होगा, प्रोनाउन हमेशा चेंज होगा, चेंजिंग द प्रोनाउन हर जगह अप्लाई होता है। तो आई जज के अनुसार क्या हो गया, ही हो गया, है ना, जज के अनुसार क्या हो गया, ही हो सकता, सी भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं, क्लियर, तो ही, और यहाँ टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ आई के साथ सेल लगा बट ही के साथ बिल होगा, टेंस तो वही है, है ना, तो ही विल पनिश द क्रिमिनल। समझ में आया। अच्छा दूसरा, द स्टूडेंट विल से आई एम नॉट डू दिस क्वेश्चन, सॉरी आई कैन नॉट, हेयर आई कैन नॉट डू दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट विल से, देखो विल से आ गया ना फ्यूचर में, तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा, तो देखते हैं चेंज हो रहा है कि नहीं। द स्टूडेंट विल से डैट आई, स्टूडेंट के अनुसार क्या हो जाएगा, ही या सी भी हो सकता है, स्टूडेंट कॉमन नाउन है ना, तो ही कैन नॉट डू, और दिस चेंज होता है डैट में, अभी आगे बात करते हैं, तो डू डैट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, लेकिन अब यहाँ एक कंडीशन लगा है, एक मिनट भाई, ये थोड़ा सा पीडीएफ वाला पंगा हो जाता है ना, नोटिंग की करता है,
चलिए अभी नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए कंडीशन दी गई है, ये आई होप दिख तो रहा है ये, ठीक। ये कह रहे हैं परंतु यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब को चेंज करते हैं निम्नलिखित के अनुसार, फॉलोइंग रूल है। अगर फ्यूचर या प्रेजेंट में तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना, लेकिन अगर पास्ट में तब कैसे चेंज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पहचान आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस एस या डू या डज के साथ फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडिफिनिट का मतलब इधर सेकंड फॉर्म इधर डिड प्लस वी वन, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब इजेमआर प्लस वी वन प्लस आईएनजी, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब वाज यवर और प्लस वी वन प्लस आईएनजी, ये तो होगा ना। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज या है प्लस थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब हैड सॉरी हैज बीन या हैव बीन प्लस आई एन जी फर्स्ट फॉर्म में, है ना, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हैड बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी, यही ये टेंस क्लियर है ना इतना। चलिए अब इसके बाद में क्या देखिए, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट को नहीं चेंज करेंगे और इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी नहीं चेंज करेंगे। शॉर्ट में और बिल को चेंज किया जाता है वुड में, सेल को, सुड में, कैन को, कुड में, मे को, माइट में, इज, अब यहाँ शॉर्ट में इज एम आर को किस में चेंज करेंगे वाज या वर में, और वाज या वर को हैड बीन में, क्लियर है। अगर आ जाता है वुड सुड कुड माइट, चूंकि ये सब क्या हैं, क्या है भाई, मॉडल्स हैं, इन सबको चेंज नहीं करते हैं, लेकिन पैसिव में वुड का वुड भी हो जाता है, ये कंफ्यूज मत होना, क्लियर, अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, अभी समझ में आए ये चीज़। तो ये टेंस का चेंज है, क्लियर। अब जो मेजर में था वो तीसरा आता है, चेंज इन द वर्ड्स और शोइंग नियरनेस, ये वाला आ गया, एक मिनट में इसको लाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए चेंज इन वर्ड्स शोइंग नियरनेस, दिस चेंज होता है डेट में, दीज चेंज होता है दोज में, हेयर चेंज होता है देयर में, और इधर चेंज होता है इधर में, हेंस थेंस नाउ देन जस्ट देन, एगो किस में जाएगा बिफोर में, टू नाइट किस में चेंज होता है डेट नाइट में, टुमारो किस में चेंज होगा द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, और दस सो या इन डेट वे में, और कम किस में चेंज होता है गो में। चलिए अब यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस लेते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब स्टेटमेंट्स होता है, साधारण वाक्य में क्या करेंगे, से टू, मतलब इसके साथ में ऑब्जेक्ट है, से का ऑब्जेक्ट है तो उसको टेल में, सेज टू को टेल्स में अगर ऑब्जेक्ट है तो, है ना, बिना ऑब्जेक्ट के आप टू आए गए, और यहाँ ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, कभी ऐसा रहता है सेज ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है, क्लियर। और सेड का ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड में, सेड को सेड में ही रखते हैं अगर इन सब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो, अगर ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में, ऑब्जेक्ट नहीं तो वही लिखे रहेंगे। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके किसका यूज करते हैं, डेट का यूज करते हैं, जैसे देखिए अब यहाँ पर पूरा एकदम खेल हो जाएगा, द टीचर सेड ब्रजेश इज अ गुड बॉय, तो टीचर सेड का ऑब्जेक्ट है नहीं है ना, तो सेड को सेड ही रहने दो, द टीचर सेड डैट, ब्रजेश तीसरे पर्सन में आता है ना, वैसे प्रोनाउन ने तो ब्रजेश को ब्रजेश कर दिया, इजेमार किस में चेंज होता है वाज यवर में, तो ब्रजेश वाज अ गुड बॉय, क्लियर है। यहाँ मिल्कमैन सेज, सेज है तो आगे का टेंस चेंज नहीं होगा, यहाँ डैट लग गया, माई काउ डज नॉट गिव मच मिल्क है, तो यहाँ डैट माई काउ, देखो माई फर्स्ट पर्सन का पजेसिव है, और मिल्क मैन मेल है, उसके अनुसार पजेसिव क्या होगा हीज होगा ना,
तो यहाँ पर क्या हुआ है, हिज काउ, देखो माई काउ पहले लिखा गया था लेकिन ये थोड़ा सा मिसप्रिंट क्या मुझसे गलती हो गई थी, क्लियर है, तो हिज काउ होगा। और यहाँ पर डज नॉट, तो टेंस तो चेंज होगा नहीं, हिज काउ भी सिंगुलर है, तो डज नॉट गिव मच मिल्क, समझ में आया। ये आपका असर्टिव है। अब बाकी सेंटेंस का तो प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा किताब से अच्छे से। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप का होता है ना। तो पहला नंबर तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है आपका वो होता है टू टाइप का। यहाँ पर देखिए दिया गया है यस या नो टाइप, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, और क्वेश्चन एक होता है डब्ल्यू एच टाइप जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, क्लियर। यहाँ हिंदी सेंटेंस की बात करेंगे, सारा इंग्लिश सेंटेंस की बात करेंगे, तो यस या नो टाइप या डब्ल्यू एच टाइप दोनों सिचुएशन में सेट को चेंज करेंगे, आस्क्ड में चाहे इसका ऑब्जेक्ट हो या ना हो, या इंक्वायर्ड ऑफ में, सेट को आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करेंगे। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके यहाँ इफ या वेदर किसमें, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो उसमें वही क्वेश्चन वर्ड ही है ना कंजंक्शन डेट का काम करता है, मींस क्वेश्चन वर्ड ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या के रिमूवल के प्लेस पर आता है, समझ में आया इतना। चलो अब एग्जांपल देख लो, यहाँ पर कह रहे हैं बट इफ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड के बाद का सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के फॉर्म में रखते हैं, ये ध्यान देना। मतलब यहाँ तक समझ में आया, सेड को आस्क्ड में फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर या तो इफ या वेदर अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, नहीं तो क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद का जो भी सेंटेंस रहेगा ना सिंपल, सिंपल का मतलब समझ रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह से। जैसे देखिए द टीचर सेड टू मी वेयर डू यू गो डेली, तो देखिए द टीचर सेड टू किस में चेंज हो गया, आस्क्ड में, यहाँ टोल्ड क्यों नहीं हुआ क्योंकि सेंटेंस क्या है वेयर डू यू, इंटेरोगेटिव है ना, तो द टीचर आस्क्ड मी, वेयर से शुरू है तो क्वेश्चन वर्ड रहे वही क्वेश्चन वर्ड डेट का काम करेगा, तो वेयर, इसके बाद सिंपल सा यू सेकंड पर्सन का है, मी के आंसर क्या हो गया आई, डू से पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सब्जेक्ट प्लस बी टू तो क्या हो जाएगा आई बेंट, गो का सेकंड फॉर्म बेंट, आई बेंट डेली, समझ में आया इतना। दूसरा द टीचर सेड टू मी हैव यू रेड दिस बुक, तो देखिए द टीचर सेट टू किस में गया, आस्क्ड मी हैव, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है ना, तो इफ या वेदर लगाओ, इफ लगा दिया, आप चाहो तो वेदर लगा दो कोई दिक्कत नहीं, इफ हो गया। यहाँ पर यू है सेकंड पर्सन का है, मी के आंसर क्या हो गया आई, इसके बाद सिंपल में करेंगे हैव चेंज होता है हैड में, तो आई हैड रेड और दिस बुक, क्लियर है। हाँ एक चीज और है, आई हैव रेड अब डैट बुक भी कर सकते हैं, क्लियर है। अगर मैं दिस बुक कर रहा हूँ इसका मतलब किताब मेरे सामने है ना, स्पीकर के सामने, टीचर भी देख रहा मैं भी देख रहा, लेकिन अगर यहाँ डेट बुक करता हूँ इसका मतलब हो सकता है टीचर ना देख रहे हो बट मैं देख रहा हूँ, है ना। अभी इसकी काफ़ी लंबी कहानी मैं बता दूंगा अलग से, समझ में आया इतना। हाँ तो चलिए स्माइल कर दीजिए। हाँ इम्परेटिव सेंटेंस, तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, वहाँ सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे, कमांडेड में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, एडवाइज्ड में करेंगे, फॉरबेड में करेंगे। ये क्या बात हुई, अकॉर्डिंग टू सेंस। अगर इम्परेटिव सेंटेंस ऑर्डर वाला है तो सेड को किस में कर देना, ऑर्डर्ड में, अगर सजेस्ट वाला है सजेस्टेड में, एडवाइस वाला है एडवाइस्ड में, रिक्वेस्ट वाला है रिक्वेस्टेड में, और लेट वाले सेंटेंस में सेड या सेड टू को परपोज्ड या सजेस्टेड में कर देना। कैसे, जैसे देखिए, और लेट अस को चेंज किया जाता है डेट दे शुड या डेट बी शुड में, और लेट को चेंज कर दिया जाता है टू लेट में, और डू नॉट को चेंज किया जाता है नॉट टू में या फॉरबेड टू, दो कंडीशन है नॉट टू या तो फॉरबेड टू, क्लियर है। और देखिए बी वन को टू के साथ बी वन में कर दिया जाता है, जैसे अब यहाँ एग्जांपल से अभी समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ एग्जांपल है द टीचर सेड टू मी गो आउट ऑफ द रूम एट वंस, टीचर ने मुझसे कहा कि कमरे से तुरंत बाहर निकल जाओ। अब बताओ टीचर क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है ना, कि हम सोचेंगे हमारी इच्छा नहीं, ऑर्डर दे रहा है, तो सेट किस में चेंज होगा ऑर्डर्ड में, तो द टीचर ऑर्डर्ड मी, और गो भी वन से शुरू है ना, जब भी वन से शुरू रहे तो क्या करोगे टू के साथ ऐड कर दोगे, तो टू गो आउट ऑफ द रूम एट वंस, समझ पाए इतना।
दूसरा देखो, द फादर सेड टू हिज सन डू नॉट गो आउट इन द सन। फादर ने अपने बेटे से कहा कि बेटा धूप में मत जाओ या मत जाना। तो फादर क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है बेटे को कि धूप में मत जाना नहीं तो बीमार हो जाओगे, लेकिन बच्चा फिर भी चला जाता है। तो यहाँ पर एडवाइस, द फादर सेड, अब किस में गया एडवाइस में, ये समझे क्यों जा रहा है एडवाइस में। चलो फिर एक मिनट, हाँ तो यहाँ क्या हो गया, द फादर एडवाइस्ड हिज सन और डू नॉट, अब बताओ डू नॉट नॉट टू में जाता है या फॉरबेड टू में, तो यहाँ क्या हो गया नॉट टू गो आउट इन द सन। अगर आपको फॉरबेड करना हो तो सेड को किस में कर देना, फॉरबेड में। तो यहाँ देखो, द टीचर फॉरबेड हिज सन, जब फॉरबेड करना तो टू के साथ कनेक्ट करना है, तो द टीचर फॉरबेड हिज सन, अरे फादर है, सॉरी यार, सॉरी यहाँ मिसप्रिंट हो गया, हैंड मिसप्रिंट हो गया। चलिए, तो द फादर फॉरबेड हिज सन टू गो आउट इन द सन, इसका मतलब पिताजी ने धूप में जाने से, जाने के लिए अपने बच्चे को मना किया। क्लियर है। अच्छा दूसरा, ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ वॉक, तो लेट अस किस में चेंज होता है, डेड दे शुड या डेड दे शुड में। तो यहाँ देखिए, ही परपोज्ड मी डेट बी शुड गो फॉर अ वॉक। क्लियर। अच्छा दूसरा, द टीचर सेड टू मी लेट अस स्टार्ट द गेम, तो क्या होगा, द टीचर परपोज्ड मी, हमने बताया था ना लेट अस वाला, तो परपोज्ड, द टीचर परपोज्ड मी डेट दे शुड स्टार्ट द गेम। ये समझ में, डेट दे शुड में क्यों हुआ, क्योंकि लेट अस किस में चेंज होता है, डेट दे शुड में चेंज होता है। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो विस्मयादि बोधक वाक्य जो कि आश्चर्य दुख या खुशी को बताता है अचानक से। इसमें पहचान क्या होगी, एक्सक्लामेशन मार्क लगा लगेगा, जैसे एलास ही इज रूइंड, है ना। अब एलास क्या है, वर्ड है, अगर किसी वर्ड में आप ये एक्सक्लामेशन मार्क लगा देते हो तो वो इंटरजेक्शन वर्ड हो जाता है, और किसी सेंटेंस में अगर इंटरजेक्शन है, एड है, तो वो पूरा का पूरा किस में, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखो, एलास ही इज रूइंड, ही इज रूइंड ये तो असर्टिव सेंटेंस है, और एलास इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन प्लस असर्टिव इज इक्वल टू एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अभी जैसे यहाँ नीचे देखिए, यहाँ लिखा भी गया है, देखो एक मिनट रुक जाओ भाई, ये कुछ ज़्यादा एडवांस लेवल से पीटीएफ काम करता है भाई। देखो यहाँ, यहाँ एक्सक्लामेटरी, अरे ये है, इंटरजेक्शन प्लस असर्टिव सेंटेंस इज इक्वल टू एक्सक्लामेटरी। कैसे, एलास इंटरजेक्शन है, ही इज रूइंड असर्टिव है, है ना, तो दोनों मिलकर क्या बन गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब यहाँ देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दो तरह का होता है, एक तो जिसमें इंटरजेक्शन दिया गया हो और जिसमें ना दिया गया हो, बल्कि व्हाट या हाउ से जाहिर किया जाए, है ना, सरप्राइज आपको, जैसे एलास, अब इंटरजेक्शन क्या है, एलास ओह आ ब्रेवो बेल्डन वाव गुड हेवन, है ना, और व्हाट या हाउ वाला। अब जैसे देखो यहाँ पर, ये चीज देखो यहाँ पर, एक मिनट, ये आ गया आपके सामने, देखिए यहाँ पर, ये सरप्राइज, सरप्राइज किससे पता चलेगा, तो सरप्राइज के लिए इंटरजेक्शन वर्ड है हाउ व्हाट गुड हेवन ओह गुड ग्रेबियस, है ना, इनको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तब क्या होगा, बेरी में जाएगा, मच में, बेरी मच, ग्रेट, ग्रेटली, इन सब में जाने की पॉसिबिलिटी है। अभी एग्जाम्पल से कवर करेंगे, स्वारो, स्वारो का कैसे पता चलेगा, एलास या आह या ओह से स्वारो का पता चलेगा, और स्वारो किस में जाएगा, यहाँ इनडायरेक्ट में, स्वारो ग्रीप या रिग्रेट, है ना, जैसे एक्सक्लेम्ड विद स्वारो, इस तरह से जॉय या डिलाइट हुर्रे वाओ से पता चलेगा, और इनडायरेक्ट में हैप्पीनेस या जॉय, जैसे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, अपलाउड बेल्डन या ब्रेओ से पता चलेगा कि हाँ अपलाउड वाला सेंस है, और इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, अपलाउडेड ऑब्जेक्ट सेइंग डेड, मतलब बीच में ऑब्जेक्ट को रख देंगे। अभी ऐसे थोड़ा कम समझ में आएगा, एग्जांपल से बताता हूँ। चलिए यहाँ देखें, सेड या सेड टू को चेंज करना है,
एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, या अप्लाउडेड विद ऑब्जेक्ट एंड सेइंग डैट। अब ये सब सेंस के अनुसार है, और कंजंक्शन डैट का यूज करना है। अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, द ओल्ड लेडी यहाँ पर है, एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल है, द ओल्ड लेडी सेड एलास योर फ्रेंड इज नो मोर। तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड लेडी, एलास से क्या पता चला सौरो, तो द ओल्ड लेडी एक्सक्लेम्ड विद सौरो, कंजंक्शन डैट लगेगा, डैट योर फ्रेंड, ये क्या है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ओल्ड लेडी ने मुझसे कहा, मैं ये मानकर चल रहा हूँ टू मी, तो टू मी के अनुसार क्या निकला, माई फ्रेंड। अगर यहाँ हिम होता तो हिज फ्रेंड है ना, तो माई फ्रेंड, और इज एम आर किस में जाता है, वाज यावर में, तो माई फ्रेंड वाज नो मोर। समझ पाए इतना। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ही सेड टू अस ब्रेवो यू हैव डन वेल, उसने हमसे कहा कि बहुत अच्छा तुमने बहुत अच्छा किया है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। तो ही ब्रेवो किस में चेंज होता है, अप्लाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग डैट में, तो ही अप्लाउडेड ऑब्जेक्ट है अस, तो ही अप्लाउडेड अस सेइंग डैट। यू है सेकंड पर्सन का, तो अस के अनुसार क्या हो जाएगा, बी, तो बी, और है भी, हैज किस में चेंज होता है, हैड में, तो बी हैड डन वेल। क्लियर है। अभी अगला एग्जांपल है, द ओल्ड मैन सेड गुड हेवेंस द हट हैज कॉट फायर, है ना, तो द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड, गुड हेवेंस से क्या पता चलता है, सरप्राइज से। क्लियर है, इनको सरप्राइज हो रहा है कि झोपड़ी में आग लग गई है, ये कैसे, क्लियर। तो डैट द हट थर्ड पर्सन का है, चेंज नहीं होगा, द हट, और हैज या हैव किस में चेंज होता है, हैड में, द हट हैड कॉट फायर। क्लियर है इस तरह से। अच्छा एक एग्जांपल और है यहां पर, एक मिनट एक मिनट, ये आ गया आपके सामने एग्जांपल, देखिए यहां पर, द बॉयज सेड हुर्रे वी शैल हैव अ प्लीजेंट हॉलीडे टुमारो। तो यहाँ पर देखिए, द बॉयज, अब हुर्रे से क्या पता चल रहा है, जॉय का, है ना, तो द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस डैट, और देखो बी है, फर्स्ट पर्सन का है ना, तो बॉयज के अनुसार दे होगा, क्योंकि बॉयज प्लूरल है, तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल दे होगा, ही सी तो होगा नहीं, तो यहाँ दे हो गया, दे, और सेल किस में चेंज होता है, शुड में, लेकिन यहाँ दे के अनुसार तो वुड लगेगा, तो दे वुड हैव अ प्लीजेंट हॉलीडे, और टुमारो किस में चेंज होता है, द नेक्स्ट डे में चेंज हो गया। अब यहां देखिए, व्हाट अ ग्रेट शॉट, है ना, व्हाट अ, ये ऐसा वर्ब है जिसमें, व्हाट अ ग्रेट शॉट, मतलब ये ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें वर्ब नहीं, जनरली होता है ना, वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बनता है, लेकिन इसमें कोई वर्ब ही नहीं, या जैसे व्हाट एन ग्रेट आइडिया, नहीं है वर्ब भाई, आइडिया नाउन है, यहां भी शॉट, क्या गजब का शॉट है, सर ग्रेट नहीं, ग्रेट तो उसके एडजेक्टिव है, और ये शॉट नाउन का काम कर रहा है। चलो अभी खैर हटाते हैं सब। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा, व्हाट अ ग्रेट शॉट, क्या गजब का छक्का, मतलब जो कुछ भी है, तो माई फ्रेंड, अब बताओ व्हाट अ ग्रेट शॉट, क्या हो रहा है, कह रहा है मुझसे, है ना, कि बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ग्रेट शॉट है। तो वैसे बताया था मैंने व्हाट या हाउ चेंज होता है बेरी में, तो माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड टू मी या एक्सक्लेम्ड मी डैट, अब देखो व्हाट अ ग्रेट शॉट, शॉट के लिए इट ही तो आएगा, डैट इट वाज वेरी ग्रेट शॉट, इट वाज अ वेरी ग्रेट शॉट। अब ये चीज थोड़ा तुमको प्रैक्टिस करना होगा। चलिए यहां देखिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ फास्ट यू आर रनिंग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, He exclaimed that, अब यहाँ पर you object के अनुसार, तो object मैंने मान लिया me है, तो me के अनुसार हो गया I, clear, तो he exclaimed that I, EJMR change होता है was या were में, तो I was running very fast, अच्छा very fast क्यों हुआ, क्योंकि how fast, how किस में change होता है, very में, clear है। अच्छा दूसरा, my friend said what a song, तो क्या होगा, माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड डैट, अब सॉन्ग के लिए सॉन्ग नॉन लिविंग है, तो इट आएगा, तो इट वाज अ ग्रेट सॉन्ग, इट वाज अ ग्रेट सॉन्ग, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट है, आई सेड
हाउ फूलिश आई हैव बीन थ्रू आउट माई लाइफ. तो आई एक्सक्लेम्ड डैट. अब देखो आई है, फर्स्ट पर्सन तो आई के अनुसार आई रहेगा, तो डैट आई और हैज हैव किस में जाता है, हैड में. तो डैट आई हैड बीन वेरी फूलिश और थ्रू आउट माई लाइफ. अभी इतना क्लियर है. फिर इसके बाद आ गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस. अब बताइए ऑप्टेटिव सेंटेंस या तो गुड विल को शो करेगा या तो बैड विल को, मतलब इसको कहा गया इच्छा सूचक वाक्य, है ना. अगर गुड विल शो होगा तो सेड को चेंज करना बिस्ड या प्रेड में, अगर बैड विल हो तो सेड को किस में कर देना कर्स्ट में, जैसे देखिए. और कंजंक्शन डेट का यूज होगा, मे को चेंज करेंगे माइट में, जैसे अब एग्जाम्पल आ जाओ. एग्जाम्पल है यहाँ पर द संत सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग. संत ने मुझसे कहा कि दीर्घायु हो. क्लियर है. तो द संत बिस्ड, अब संत ने कहा इच्छा जाहिर की ना, तो द संत बिस्ड मी डेट आई माइट लिव लॉन्ग, है ना, बिस्ड टू मी. यहाँ देखो ही सेड टू हर मे यू गो टू हर, उसने मुझसे कहा भाड़ में जाओ, अरे नरक में जाओ. क्लियर है. तो अभी कर्ष श्राप दे रही है, दे रहा है, ठीक, वो किसी लड़के को दे रहा. तो ही कर्स्ड टू हर डैट यू, हर के अनुसार क्या हो गया सी हो गया, क्योंकि यू सेकंड पर्सन का है. डैट सी में जाएगा माइट में, तो सी माइट गो टू हेल. क्लियर है. अब यहाँ पर दूसरा टाइप है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना. कॉन्ग्रेचुलेशंस को चेंज कर देना कॉन्ग्रेचुलेटेड में, थैंक यू को चेंज कर देना थैंक्ड में, गुड बाय को चेंज कर देना किस में, बेड में. क्लियर है. गुड बाय को किस में चेंज करना, बेड में. आइए देखते हैं इस पर सेंटेंस. यहाँ पर देखिए ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव स्कोर्ड फर्स्ट पोजीशन, उसने मुझसे कहा बधाई हो तुमने बहुत अच्छा फर्स्ट पोजीशन स्कोर किया. तो देखो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, उसने मुझे बधाई दी. एंड टोल्ड डेट, और ये बताया कि आई हैड स्कोर्ड फर्स्ट पोजीशन. क्लियर है. यहाँ कुछ चीज़ें ऊपर से जा रही होंगी, है ना. यहाँ दो दो देखो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस तक मैंने बना दिया ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, और भी कहा ना, तो वही हमने एंड लगा दिया एंड टोल्ड डेट. और ये कहा क्या कहा, यू चेंज हुआ मी के अनुसार आई में और हैव गया हैड में, तो आई हैड ठीक स्कोर्ड फर्स्ट पोजिशन. अच्छा वेलकम चेंज होता है वेलकम्ड में, जैसे देखो ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड, तो बताए थे ना गुड बाय को बेड में चेंज होता है. ही बेड हीज फ्रेंड गुड बाय, चाहे आप ऐसा कहो चाहे आप ऐसा कहो, ही बेड गुड बाय टू हीज फ्रेंड. क्लियर. अच्छा टाइप नंबर थ्री में हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, मेरी क्रिसमस, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इन सबको चेंज नहीं करते हैं. जैसे ही सेड टू मी हैप्पी दिवाली, उसने मुझसे कहा हैप्पी दिवाली, तो विश कर रहा है ना मुझे, तो ही विश्ड टू मी हैप्पी दिवाली. या मान लो स्टूडेंट सेड टू मी गुड मॉर्निंग सर, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टूडेंट बिस्ड मी गुड मॉर्निंग. तो इन सबको ऐसे ही, मतलब इन सबको चेंज नहीं करेंगे. क्लियर है. तो ये आपका रहा पांचों टेंस का पूरा पैसिव. अब यह मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल की सीरीज बची है, यानी कि पार्ट वन रहेगा और पार्ट टू में बड़ा खतरनाक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जिसको मैं थोड़ा सा आपके सामने दिखा दे रहा हूँ. देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से है, तो इस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास.